हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो आप करंट कुछ और रह गई थी पिछले क्लासेस में, मैंने करंट के इक्वेशन के डेरिवेशन आपको इन डेप्थ बता दिए, कहाँ से कौन सी इक्वेशन आती है, ताकि आपको उसका यूज़ समझ में आ जाए। जो IS e टू द पावर QVF अपान KT या QVB अपान KT था, जो IC करंट में आप लेते हो, IS इज़ नथिंग बट रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ इमिटर बेस जंक्शन होता है, ये ध्यान रखना। और जो ICO होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन का रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है। एंड दैट IS इज नथिंग बट, याद करो, Q एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लोगे इमिटर बेस जंक्शन के रिस्पेक्ट में, AE QAE इनटू क्या, DN अपॉन LN, LN की जगह W आ जाएगा। अगर ये अगर N टाइप का क्या है आपका इमिटर है, DN अपॉन W इनटू क्या, DN अपॉन W तो आप क्या लेते थे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। और लेकिन क्या, जब भी रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आते हैं, क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो DN अपॉन W इनटू क्या आता है, NP आता है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या था आपका, जब आई नॉट आप लेते थे, अगर PNP हो गया तो QAE तो कॉमन रहेगा। अब PNP है तो इलेक्ट्रो होल की वजह से मेनली करंट होगा, किसकी वजह से, होल की वजह से। तो यहां आ जाएगा DP अपॉन W इनटू होल, N साइड में माइनॉरिटी होते हैं PN, और जहां पे ये NP और PN थे, NP क्या था, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ऑन पी टाइप बेस, और PN क्या होते हैं, अगर PNP ट्रांजिस्टर होता तो होल कंसंट्रेशन ऑन N साइड, और N साइड कौन सा है, बेस। तो ये होल के कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन, उसके टर्म में IS आता है e to the power QVB upon KT, तो कॉमन है, ठीक है, वो ध्यान रखना। वहां ICO नहीं होता अंटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कहा ना जाए, उसका डेप्थ में दे दिया। बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर और इंजेक्शन एफिशिएंसी के टर्म में मैंने आपका अल्फा बीटा सारे डिराइव कर दिए, और ये भी बताया अल्फा बीटा गामा का जब डेरिवेशन करते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट का इफेक्ट उसमें से हटा देते हैं। अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट ऐड हुई है तो उसको माइनस कर दो, अगर माइनस हुई है तो उसको प्लस कर दो, जैसा हमने करके दिखाया था वहां पे। ICO का इफेक्ट मैंने लिया था और वहीं से इक्वेशन आता है IC इज इक्वल टू आपका beta IB प्लस beta+1 ICO। IC क्या है, टर्मिनल पे जो करंट फ्लो हो रही है, जो फ्लो हो रही है वही जो दिख रही वही IC है, और IB क्या था, जो IB दिख रहा है। अगर ICO ले रहे हो तो IB में से एक्चुअली जो IB था, जो IB टर्मिनल पे इंटर करेगा उसी को IB लेते हैं, जो टर्मिनल C पे इंटर करेगा उसको IC बोलते हैं। तो ICO का इफेक्ट लोगे तो जो इमिटर की वजह से करंट थी B into IN कलेक्टर में आई थी, वो प्लस जो ICO दोनों ऐड होगा वो नेट IC बनेगा। और IB में यही ICO क्या हो जाता था, घट जाता था, क्योंकि IB में एक तो करंट थी रिकम्बिनेशन की वजह से, एक करंट थी होल के डिफ्यूजन की वजह से। अब जब ये ICO जीरो लिया था तब, लेकिन ICO आया तो वो उल्टी डायरेक्शन में इसके फ्लो हो गया, तो जो नेट IB आपको दिख रही है वो आइडियल केस माइनस ICO है एक्चुअल में। तो जो टर्मिनल पे IB दिख रही है वही IB है जो टर्मिनल से इंटर करती, कंफ्यूज ना करना कि IB को मान लेना आइडियल केस वाला IB। तो जो कलेक्टर से इंटर करेगी वो उसको मैं IC लूंगा, जो बेस से इंटर करेगी उसको मैं IB लूंगा, और जो इमिटर टर्मिनल से बाहर होगी उसी को मैं I लूंगा NPN के केस में, ठीक है। यही उल्टा हो जाएगा PNP के केस में, इमिटर से इंटर करेगी, बेस और कलेक्टर से बाहर निकलेगी, है ना। KCL सेटिस्फाई होगा, इंटर करंट टोटल आउट गोइंग, टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग, वही चीज हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो ध्यान रखना, बेस से जो इंटर कर रही है वो IB, कलेक्टर से जो आ रही करंट वो हमेशा ICO और IB ही लिखी जाती है, उसमें ICO प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है वो अलग इशू है, ठीक है, तो वही होगा। अब लेकिन गेन अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए ICO का इफेक्ट हटाना पड़ता है, ICO के अलावा जिस जो करंट है उस उन करंट के रेशियो लेने पड़ते हैं, चाहे कोई भी हो। IC बाई IB निकालना है तो अगर IC में ICO ऐड हुआ है तो माइनस करेंगे, IB में अगर ICO माइनस हुआ है तो ऐड करेंगे, अगर कम हुआ है तो उसको ऐड करके पुराने वाले बनाएंगे विदाउट ICO वाली करंट, ठीक है। तो उसको इफेक्ट को ICO को नलीफाई करेंगे, देन रेशियो निकालेंगे तो वो अल्फा बीटा गामा होगा, क्योंकि अल्फा बीटा का गामा का कैलकुलेशन ही करते हैं विद ICO जीरो। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो ध्यान से यहां पे, अब अगला पढ़ने जा रहे हैं दो तीन करंट। ICO क्या होता है, इसको बोलते हैं कलेक्टर टू इमिटर करंट, कलेक्टर टू इमिटर करंट विद बेस ओपन, कलेक्टर टू इमिटर ओपन कौन है, बेस ओपन, बेस टर्मिनल ओपन कर दिया। अब ध्यान से देखो ये करंट होगी क्या, अब देखो IC का इक्वेशन लिखते हैं, IC इज इक्वल टू नथिंग, ICO का इफेक्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, beta+1 ICO, IC करंट जो कलेक्टर टर्मिनल से इंटर करते हुए दिख रही होगी वही IC है, ठीक है।
उसमें सब कुछ आ गया। और आई बी यहाँ पे कौन सी करंट है, जो बेस टर्मिनल से इंटर कर रही वो आई बी है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल जो इंटर करेगी बेस से वही आई बी लेते हैं, जो कलेक्टर से इंटर करती वही आई सी लेते हैं। अब उनमें आई सी ओ प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है वो सब कुछ आपको नहीं लेना। आपको कोई सर्किट दे दिया गया तो जो बेस से इंटर कर रही वो आई बी है, जो कलेक्टर से इंटर कर रही वो आई सी है। और अगर आई सी ओ का इफेक्ट आई सी ओ अलग से दे रखा है तो इस इक्वेशन में रख के आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आईसीओ आईबी, केवल आईबी दे दिया कितना बेस से इंटर करा, आईसीओ दे दिया तो आईसी इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमेशा लेना आपको, ठीक है। तो बेस से जो इंटर करे या पीएनपी में बेस से जो बाहर आ रही है वही बेस करंट है, कलेक्टर से जो बाहर आ रही है वो कलेक्टर करंट है, एनपीएन में बेस से जो इंटर कर रही है वही बेस करंट है, कलेक्टर से जो इंटर कर रही है उसी को आईसी मानते हैं, चाहे उसमें आईसीओ का इफेक्ट जीरो है चाहे आईसीओ का इफेक्ट है, लेकिन लिखेंगे जो इंटर करेगी कलेक्टर से उसी को कलेक्टर, जो बेस से उसी को बेस, ठीक है। इतना बात क्लियर, ताकि ये कन्फ्यूज ना हो। कुछ लोग कन्फ्यूज क्या करने लगते हैं कि ये आईसी वो वाला है जब आईसीओ का इफेक्ट नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो कलेक्टर से इंटर करेगी उसी को आईसी लिखते हैं, जो बेस से इंटर करेगी उसी को आईबी लिखते हैं, जो इमिटर से बाहर जाएगी एनपीएन के केस में या पीएनपी के केस में इंटर उसको आई बोलते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल से मतलब है हमें, ठीक है। आईसीओ का इफेक्ट लोगे तो इक्वेशन में आईसीओ रख दो, क्योंकि ये आईबी मैंने क्या लिया था, जो बेस से इंटर कर रही करंट वो लिया था, उसमें आईसीओ का भी इफेक्ट था, आईसीओ उसमें से माइनस हो चुकी थी, वो नेट आईबी था, आईसी क्या था, नेट आईसी था जिसमें आईसीओ एडेड थी, ठीक है ना। तो ये सारे इफेक्ट को इंक्लूड करके आईसी आईबी लिया गया, इसीलिए आपको आईसी और आईबी क्या लेना है हमेशा, जो कलेक्टर टर्मिनल से आए वो आईसी है, जो बेस टर्मिनल से आए वो आईबी है, सिंपल। उसमें आईसीओ का इफेक्ट जीरो है नहीं जीरो इससे सोचने की जरूरत ही नहीं, आईसीओ का दिया है अगर तो आईसीओ को, तो ये जनरल इक्वेशन मैंने ले ली, आईबी जो इंटर किया बेस से वो आईबी है, जो कलेक्टर से इंटर किया वो आईसी है, ये इक्वेशन यूज करो। अगर आईसीओ गिवन है तो आईसीओ की वैल्यू रखो, नहीं गिवन है आइडियल केस है तो आईसीओ जीरो, तो आईसी इक्वल टू बीटा आईबी हो जाता है। तो आईसी अपान आईबी इज इक्वल टू बीटा विद आईसीओ जीरो, यही तो मैंने कहा था, आईसीओ का इफेक्ट जब जीरो लोगे तो जो कलेक्टर और बेस करंट का रेशियो होगा दैट विल बी बीटा, है ना, यही होता है। अब देखो यहां पर क्या है, बेस को जैसे आपने ओपन किया तो क्या हो जाएगा, बेस करंट जीरो हो जाएगी, तो कलेक्टर और इमिटर करें टर्मिनल ही बचेंगे, उसके क्रॉस ही करंट जा सकती है, बेस को ओपन कर दिया बीच में तो बेस से तो फ्लो होगी नहीं, इसी को कहेंगे आईसीओ, जो आई अब कलेक्टर करंट है यही क्या हो जाएगी आईसी हो जाएगी, आईसीओ हो जाएगी, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू बीटा प्लस वन आईसीओ। आईसीओ इज रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन। तो कलेक्टर टू इमिटर करंट फ्लो होगी केवल तब पाथ कलेक्टर टू इमिटर बचेगा अगर बेस ओपन कर दोगे, तो बेस ओपन किया तो आई बी जीरो, ओपन टर्मिनल से करंट हो नहीं सकती, तो आईसीओ इज इक्वल टू जो कलेक्टर करंट होगी अब बेस से नहीं फ्लो होगी वही इमिटर की तरफ चली जाएगी, तो आईसी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आईसीओ हो जाएगा, उसी को कहते हैं कलेक्टर टू इमिटर करंट विद बेस ओपन, कितने के बराबर होती है, इसी तरह से एक करंट होती है आईसीबीओ, कलेक्टर टू बेस करंट विद इमिटर ओपन, कलेक्टर टू बेस करंट विद इमिटर ओपन, जो बच नहीं लिखा है वो ओपन है। तो आप देखो क्या लेंगे, इक्वेशन ये वाली लेंगे, क्यों, क्योंकि इमिटर को ओपन कर रहे हो तो जिसमें इमिटर करंट आई हो ताकि आई को हम जीरो कर पाए, जैसे यहां पे बेस वाला इक्वेशन लिया था क्योंकि बेस को हम जीरो कर पाए। अब देखो जैसे ओपन किया तो आ जाएगा आईसीबीओ, ओपन करोगे तो ये जीरो हो जाएगा आई, बचेगा क्या आईसीओ, तो आईसीबीओ आईसीओ के बराबर। तो अब ध्यान से देखना, एक चीज मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, जो कलेक्टर टू बेस को जब इमिटर को ओपन करते हैं तो जो कलेक्टर टू बेस करंट है एक्चुअल में थियोरेटिकली देखो यहां से आया कि वो रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन बचेगा, क्योंकि इमिटर टर्मिनल को ओपन कर दिया वहां कुछ करंट जाएगी नहीं, इमिटर बेस जंक्शन वाला एक रिवर्स पाथ बचा हुआ है, रिवर्स बायस पाथ बचा हुआ है, तो उसके क्रॉस करंट आईसीओ ही फ्लो हो सकती है, रिवर्स बायस जंक्शन के क्रॉस रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगी, तो ऑब्वियस सी बात थी आईसीबीओ इज इक्वल टू आईसीओ आ गया। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया जब इमिटर को ओपन करके रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन के क्रॉस करंट फ्लो कराते हैं, रिवर्स बायस जंक्शन के क्रॉस करंट फ्लो कराते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वहां पे एक सरफेस करंट भी फ्लो होती है, किस डायरेक्शन में, इस आईसीओ के ही डायरेक्शन में फ्लो होती है एक सरफेस करंट भी कलेक्टर टू बेस, है ना। तो ये करंट आईसीबीओ एक्चुअली में स्लाइटली ग्रेटर देन आईसीओ होती है, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली तो आईसीओ के बराबर होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि सरफेस पे एक और करंट फ्लो होती है एंड उसकी वजह से आईसीबीओ इज स्लाइटली ग्रेटर देन आईसीओ। तो आप देखो ध्यान से रिलेशन क्या हो गया, आईसीओ
तो बीटा प्लस वन आईसीओ बहुत हाई है, इट इज ग्रेटर देन आईसीबीओ, ऑब्वियसली ये आईसीओ से थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि यहां पे प्लस एक सरफेस करंट आ जाती है, स्मॉल सरफेस करंट, आईसीओ तो होती है प्रैक्टिकली देखा गया एक सरफेस करंट भी आ जाती है, तो दिस इज ग्रेटर देन आईसीओ, ये रिलेशन याद रखो, आईसीओ इज ग्रेटर देन आईसीबीओ इज ग्रेटर देन आईसीओ, एक्चुअली में आईसीबीओ इज इक्वल टू आईसीओ थियोरेटिकली, बट देयर इज सम सरफेस करंट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ आईसीओ, तो आईसीबीओ इज आईसीओ प्लस समथिंग, तो आईसीओ से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये रिलेशन आपको क्या रखना है, याद रखना है, ये रिलेशन आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो अब देखते हैं इसके आगे अर्ली इफेक्ट, थोड़ा सा अर्ली इफेक्ट पढ़ लेते हैं, अर्ली इफेक्ट का इफेक्ट क्या आता है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा, सबको ऑलरेडी पता होगा बट देखता हूं मैं थोड़ा सा आपको इनसाइट ले जाने की कोशिश करूंगा, तो अर्ली इफेक्ट के बाद ये लेक्चर क्लोज करेंगे, या उसमें थोड़ा सा मैं बायसिंग और उसके बारे में रीजन ऑफ ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा बीजेटी के, ताकि नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम न्यूमेरिकल पे फोकस कर पाए, ठीक है। अर्ली इफेक्ट, व्हाट इज अर्ली इफेक्ट, तो आपके बेसिक्स आपके सारे कवर होते जा रहे हैं, ठीक है, अर्ली इफेक्ट, बाकी चीज़ें मैंने करंट और ये सब डेरिवेशन कर दिए, टेम्परेचर का इफेक्ट क्यों आता है वो थोड़ा सा बता दिया, बीजेटी में बेसिकली करंट कैसे फ्लो होती, करंट के इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी थियरी के छोटे छोटे पॉइंट्स, और ये ध्यान रखना जो इमिटर करंट थी वो डिफ्यूजन करंट होती है, बेस करंट में भी एक रिकम्बिनेशन पार्ट होता है और एक डिफ्यूजन पार्ट होता है, लेकिन कलेक्टर करंट ऑफ अ एक्टिव रीजन बीजेटी इज ऑलवेज अ ड्रिफ्ट करंट, ये हमेशा दिमाग में याद रखना, बहुत लोग उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, ये गलत है, मैंने आपको दिखाया कि कैसे करंट फ्लो होती है, अगर वो देख लिया तो आपका आई क्या था, आई एन प्लस आई पी बोथ आर डिफ्यूजन, बेस में एक था रिकम्बिनेशन करंट प्लस एक डिफ्यूजन पार्ट, और तीसरा था कलेक्टर करंट दैट इज टोटली ड्रिफ्ट करंट, वो आया था बी इंटू आई एन के टर्म में, बट जैसे वो पहुंचा जंक्शन के क्रॉस वहां से ड्रिफ्ट होकर 97 इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो हो गए थे, कहां पे, कलेक्टर इन पे, तो किसकी वजह से गए थे, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द 97 जो इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होके बच गए थे बेस में से, जो डिप्लीशन रीजन में पहुंचे थे कलेक्टर बेस जंक्शन के क्रॉस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने उन्हें फोर्स लगा के कहां भेज दिया था, कलेक्टर के इंड पे जहां वो कलेक्ट हो गए थे, इसलिए कलेक्टर बोलते हैं, दैट्स वाई दैट करंट इज ड्यू टू, किस वजह से फ्लो हुए कलेक्टर बेस जंक्शन के क्रॉस, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगी, तो उस करंट को क्या कहोगे, ड्रिफ्ट करंट कहोगे, हमेशा ड्रिफ्ट करंट, तो कलेक्टर करंट कैसी होती है, ड्रिफ्ट, बहुत लोग इसको डिफ्यूजन लिखाते हैं, जिनको लिखाते हैं उनसे पूछना सर डिफ्यूजन करंट कैसे होती है, तो हो सकता है आपको कोई एक्सप्लेनेशन दे दें, बट आपको लॉजिकल रहना कैसे क्या फ्लो होता है, ठीक है। अर्ली इफेक्ट क्या होता है बताओ, पता होगा आपको शायद क्या होता है, जैसे मैंने ये ले लिया और यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन एक्रॉस इमिटर बेस एनपीएन ले रहा हूँ, तो इसको मैंने रिवर्स बायस कर दिया एनपीएन, तो ये फॉरवर्ड बायस पी इन हायर पोटेंशियल, एन इन लोअर पोटेंशियल, और ये रिवर्स बायस एन इन एट हायर पोटेंशियल पी इन, तो यहाँ पे एक जंक्शन बन गया था, यहाँ पे रिवर्स बायस है तो यहाँ एक डिप्लीशन रीजन है, जो जहाँ कहाँ पेनिट्रेट ज़्यादा करती है, डिप्लीशन रीजन बताया था, जिधर डोपिंग कंसंट्रेशन कम होता है वहाँ ज़्यादा पेनिट्रेशन होता है, उसकी विड्थ वहाँ ज़्यादा होती है, और जिधर ज़्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन होता है वहाँ कम, तो लाइटली डोप सबसे ये होता है, ये मॉडरेट डोप, ये हाईली डोप, ये होता है इमिटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर, ठीक है। अब देखो क्या नॉर्मली जो करेंट्स होती हैं आई सी आई एन आई बी हम क्या मानते हैं, और जो गेंस है अल्फा बीटा गामा हम क्या मानते हैं, कि जो ये रिवर्स बायस है मेनली करंट किसकी वजह से थी, अगर ध्यान से देखो तो जो ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन है इमिटर बेस जंक्शन, यही सारी करंट को कंट्रोल कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसमें से भी जो इमिटर में चार्ज कैरियर्स हैं जो हाईली डोप्ड हैं वही पूरे करंट को क्या कर रहे हैं कंट्रोल, क्योंकि इसकी वजह से करंट आई एन थी, होल जो डिफ्यूज हुए वो आईपी था, एंड आईएन इज मच मच ग्रेटर देन आईपी, इसी आईएन का कुछ पार्ट यहां रिकम्बाइन होने की वजह से बेस करंट आईबी आई, और कुछ करंट आईपी था वो दोनों मिलके बेस करंट, और इसी आईएन का बी इंटू आईएन पार्ट कहां कलेक्ट हो गया था, कलेक्टर इन पे, तो मेनली करंट जो आई ड्यू टू किसकी वजह से आई, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस ऑफ दिस इमिटर बेस जंक्शन, आईएन और आईपी के टर्म में सारी करंट्स थी, तो बेसिकली करंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये,
और जो इलेक्ट्रॉन यहां से इंजेक्ट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को रिवर्स बायस जंक्शन P2N अलाउ करता है, इसीलिए वो रिवर्स बायस जंक्शन होते हुए भी जो इलेक्ट्रॉन IN के थ्रू आए थे, जो रिकम्बिनेशन P में हुए, उसके बाद जो बच गए वो बाकी सारे कलेक्ट हो गए थे कलेक्टर इन पे, बिकॉज रिवर्स बायस जंक्शन इलेक्ट्रॉन को P2N फ्लो होने देता है होल को N2P, जबकि फॉरवर्ड बायस जंक्शन होल को P2N फ्लो होने देता है और इलेक्ट्रॉन को N2P, रिवर्स बायस में उल्टा। तो यहां पे रिवर्स बायस ने सपोर्ट किया था जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए थे उनके फ्लो को, कहां से कहां, P2N, इसी वजह से एक करंट फ्लो हो गई इन इन जो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुए उनकी वजह से, कहां पे N2P, उसी को B into IN आप कहते थे। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो हम अभी तक क्या ज़ूम करते थे कि जो ये रिवर्स बायस है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, ये रिवर्स बायस वोल्टेज चाहे मैं 1 वोल्ट ले लूं, चाहे 2 वोल्ट ले लूं, चाहे 3 वोल्ट ले लूं, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा करंट I पे, करंट IB पे, करंट IC पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या गेंस पे कहूं तो इफेक्ट नहीं आएगा। बेसिक है कि गेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, करंट्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप मानते थे जो करंट I थी वही I रह गई, IB वही रह गया, IC वही रह गया, तो सारी करंट अगर वही रह गई, चाहे यहाँ रिवर्स बायस 1 वोल्ट से किया चाहे 2 वोल्ट से, तो सारे करंट गेंस भी वही रह जाएंगे, IC/IB वही रह जाएगा, IC/IE वही रह जाएगा, सब कुछ क्या रह जाएगा सेम। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं, अर्ली एक वैज्ञानिक के नाम पर ही पढ़ा, तो क्या देखा उन्होंने कि अगर हम रिवर्स बायस अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन बढ़ाते हैं, जैसे 1 वोल्ट से रिवर्स बायस किया था, 2 वोल्ट से कर दिया, 3 वोल्ट से, 4 वोल्ट से, तो क्या होगा, रिवर्स बायस जब किसी PN जंक्शन के अक्रॉस बढ़ता है तो उसकी जो डिप्लीशन विड्थ है वो बढ़ती है अक्रॉस द जंक्शन, और डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी और वो किस साइड ज्यादा बढ़ती है, जिधर डोपिंग कंसंट्रेशन कम होता है। तो मान लो मैंने पहले इसे अगर 1 वोल्ट रखा था तो ये सिचुएशन थी डिप्लीशन विड्थ की, अगर इसको 1 से बढ़ा के 2 कर दिया, तो यहाँ डिप्लीशन विड्थ और बढ़ जाएगी थोड़ा सा, देखो ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, इधर भी बढ़ेगी लेकिन इधर पेनिट्रेशन कम होगा क्योंकि यहाँ डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर ज्यादा। तो अब ध्यान से देखो, जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो पहले से कम हो गई, पहले इतनी थी, यहां तक थी, ठीक है, यहां तक, अब उससे कम हो गई। तो रिवर्स बायस बढ़ाने से क्या हो रहा है, जो इफेक्टिव बेस विड्थ है ये रीजन क्या होता जा रहा है, कम, क्योंकि डिप्लीशन विड्थ का पेनेट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो इफेक्टिव बेस विड्थ कम होती जा रही है। अब होगा क्या, इफेक्टिव बेस विड्थ, तो इसको बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, अर्ली इफेक्ट को क्या कहते हैं, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। उसका इफेक्ट मैं लिखा देता हूं, और एक नंबर में थियोरी के फॉर्म में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो वो आप याद रख लेना सीधे सिंपली। ठीक है, अब देखो, जब रिवर्स बायस बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव बेस विड्थ W डिक्रीजेस, जब W डिक्रीज होगा तो ध्यान से देखना, IC के इक्वेशन में एक IS था एंड IS वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू W, इफेक्टिव बेस विड्थ W थी, तो W जब घट रहा है तो IS बढ़ेगा, IS जब बढ़ेगा तो क्या होगी, IC करंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, IC करंट विल गोइंग टू इंक्रीज, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू इंक्रीज 100%, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखो क्या होगा, हो क्या रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन रिवर्स बायस अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन इफेक्टिव बेस विड्थ डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, किसी एक चीज को वेरी करके किसी और चीज को वेरी करो, दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। आप बाई वेरिंग दिस वोल्टेज यू आर वेरिंग दिस विड्थ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। जैसे आप वहां पे कैरियर, जो कैरियर है, कैरियर को आप मॉड्यूलेट करते हो अपने मैसेज सिग्नल के द्वारा, तो कैरियर के जो आप एम्पलीट्यूड को या तो चेंज करते हो बाई आपके मैसेज सिग्नल से, या कैरियर के फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो बाई मैसेज सिग्नल, या कैरियर के फेज को चेंज करते हो बाई मैसेज सिग्नल, तो उसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। AM कहते हो या FM कहते हो या PM कहते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन बेसिकली, है ना। तो एक चीज को वेरी करोगे बाई वेरिंग एन अदर थिंग, ठीक है, तो बाई वेरिंग रिवर्स बायस वोल्टेज यू आर वेरिंग द बेस विड्थ, दैट इज कॉल्ड एज बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो बेस विड्थ घट रही है अगर रिवर्स बायस बढ़ा रहे हैं, रिवर्स बायस घटाएंगे तो इफेक्टिव बेस विड्थ बढ़ेगी, जस्ट उल्टा रिलेशन है, बढ़ाओगे तो बेस विड्थ घटेगी क्योंकि पेनेट्रेशन डिप्लीशन रीजन का बढ़ेगा, तो इफेक्टिव बेस विड्थ कम हो जाएगी, और अगर इसको घटाओगे तो ये पेनेट्रेशन कम होगा तो इफेक्टिव बेस विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब उससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो इमिटर से इंजेक्ट हुए थे, कौन से इलेक्ट्रॉन जो इमिटर से इंजेक्ट हुए थे 100, पहले विड्थ इतनी थी, W ज्यादा थी जब रिवर्स बायस कम था, अब रिवर्स बायस बढ़ाने से विड्थ कम हो गई, तो उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था P रीजन में, डिप्लीशन रीजन में तो कोई होल्स है ही नहीं, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो
जो चार्ज कैरियर यहां पे इंटर करता उनको वो ड्रिफ्ट कर देता, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन 100 इंटर हुए थे पहले इतनी विड्थ ट्रेवल करते थे तो उनके रिकम्बाइन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे पी रीजन में, तो पी रीजन में ये विड्थ इफेक्टिव बेस विड्थ कितना कह रहे हैं, जो पी रीजन आपका बच पा रहा है उसी को, बाकी तो डिप्लीट हो गया, यहां पे होल सही नहीं केवल आयंस बचे हैं ना। तो इफेक्टिव जहां पे पी रीजन है, जितना पी रीजन है उसी की विड्थ को आप इफेक्टिव बेस विड्थ कहते हो, क्योंकि वहीं पे रिकम्बिनेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन का होल के साथ। बाकी जैसे वो डिप्लीशन रीजन में पहुंचेगा, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगी उसको ड्रिफ्ट कर देगी कलेक्टर की तरफ, यहां पे कोई रिकम्बिनेशन नहीं होगा क्योंकि यहां होल्स है नहीं, इसीलिए वो रीजन ले रहे हैं जहां पे पी है। अब देखो क्या होगा, जब आपने रिवर्स बायस बढ़ाया तो बेस विड्थ बढ़, इफेक्टिव बेस विड्थ घट गई, मतलब पी रीजन कम हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन 100 इंटर किए थे, 100 हम लेके एग्जांपल चल रहे हैं, पहले मान लो 3 रिकम्बाइन हो पा रहे थे इतनी विड्थ में, पहले विड्थ ज्यादा थी इफेक्टिव बेस विड्थ, अब जब कम विड्थ मिलेगी उनको, कम डिफ्यूजन के लिए लेंथ मिलेगी, तो उनके रिकम्बिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो पहले अगर 97 रिकम्बाइन हो रहे थे, अब कितने रिकम्बाइन होंगे, अब पहले 3 रिकम्बाइन हो रहे थे, 97 पहुंच रहे थे कलेक्टर पे, अब 2 ही रिकम्बाइन होंगे, क्या होगा 98 पहुंचेंगे कहां पे, कलेक्टर पे। तो अब ध्यान से देखो, 2 ही होल अब रिकम्बाइन हुए तो 2 होल के बराबर ये सप्लाई करेगा कौन, आपका सप्लाई करेगा कौन, बैटरी। तो जो रिकम्बिनेशन करंट थी बेस की, कितने इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुए, कितने ने होल को होल के साथ रिकम्बाइन हुए, उस पर डिपेंड करता था। अगर यहां 4 इलेक्ट्रॉन 4 होल के साथ रिकम्बाइन किए, तो इसने 4 होल सप्लाई किया, तो 4 होल की वजह से बेस करंट आई रिकम्बिनेशन करंट, बाकी तो जो डिफ्यूजन है वो तो है ही, ठीक है। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो पा रहे हैं क्योंकि डिफ्यूजन के लिए बहुत कम जगह बची है, तो वहां पे 2 ही होल के साथ रिकम्बाइन हुए, तो इसने 2 ही होल को सप्लाई किया, तो जो रिकम्बिनेशन करंट वाला पार्ट था बेस का, अब वो पहले से कम हो जाएगा कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि जब इफेक्टिव बेस विड्थ कम हो गई तो रिकम्बिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, तो जो रिकम्बिनेशन बेस में हो रहा था वो कम हो गया, उसकी वजह से जो बेस का रिकम्बिनेशन करंट था वो भी कम हो गया, तो बेस करंट घट गई ड्यू टू बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। और जब यहां पे रिकम्बिनेशन कम हो गया, पीछे से तो 100 आए, यहां पे अब पहले 4 रिकम्बाइन होते थे, अब 2 ही, तो यहां पे 98 पहुंचे, पहले 96 पहुंचते थे, तो अब कलेक्टर करंट पहले 96 की वजह से थी, अब कितने की वजह से, 98 की वजह से होगी, या कहोगे बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर बी बढ़ गया कि नहीं। बी क्या होता था, 100 पीछे से आए कितने ट्रांसपोर्ट कर दिए, पहले 96 ट्रांसपोर्ट किए तो 0.96 था, अब ये 98 ट्रांसपोर्ट करेगा तो 0.98, तो बी इंटू आई एन कलेक्टर करंट बढ़ गई कि नहीं। तो क्या हुआ है, रिवर्स बायस बढ़ाने से इफेक्टिव बेस विड्थ घटी तो रिकम्बिनेशन बेस में घटा, बेस करंट घट गई क्योंकि रिकम्बिनेशन जितने होते थे उतने बैटरी सप्लाई करके बेस करंट को ऐड करता था, रिकम्बिनेशन कम तो बेस करंट कम हुई, लेकिन रिकम्बिनेशन कम हुआ तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर कलेक्टर पे पहुंचे तो कलेक्टर करंट क्या हो गई, बढ़ गई। तो हुआ क्या इसकी वजह से, आईसी इंक्रीजेस, ठीक है, आईबी इंक्रीजेस, ठीक है। अब आई भी मैं जैसे कह रहा हूं नॉर्मली की इंक्रीज, आईसी इंक्रीजेस, आईसी इंक्रीजेस, आई बी व्हाट डिक्रीजेस, अब आई भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। मतलब इन जनरल बहुत लोग कहते हैं कि कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे मैं अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें तो श्योर शॉट होंगी होंगी, ये दोनों चीजें आपकी 100% क्या होगा, होंगी ही होंगी कि रिकम्बिनेशन की वजह से कम होंगे रिकम्बिनेशन तो आई भी घट जाएगा, और रिकम्बिनेशन कम होंगे तो ज्यादा चार्ज कैरियर पहुंचेंगे तो आईसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखते हैं आई बढ़ेगा कि नहीं, देखते हैं। अभी हमने कहा कि बेस विड्थ बढ़ेगा, इफेक्टिव बेस विड्थ घटेगा अगर रिवर्स बायस बढ़ाएंगे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिकम्बिनेशन बेस रीजन में घटा तो जो रिकम्बिनेशन करंट थी बेस की वो घट गई, तो उसकी वजह से बेस करंट घट गई। रिकम्बिनेशन यहां कम हुआ तो ज्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ चार्ज कैरियर, 100 में से पहले 4 रिकम्बाइन होते थे तो 96 हुआ, अब 2 रिकम्बाइन हुए तो 98 गया, तो कलेक्टर करंट आईसी बढ़ गई। तो रिवर्स बायस बढ़ाने से इफेक्टिव बेस विड्थ घटती है, इफेक्टिव बेस विड्थ डब्ल्यू डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन एंड ड्यू टू विच आईसी इंक्रीजेज एंड आईबी डिक्रीजेज। लेकिन पॉइंट हमारा क्या था एक डिस्कस करने का, आई पे क्या फर्क पड़ेगा, आई बढ़ेगा कि घटेगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कहा आई विल ऑलमोस्ट ए कॉन्स्टेंट, कि आई में चेंज नहीं होना चाहिए देख के लग रहा था, लेकिन उसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। अभी जो मैंने बोला था इफेक्टिवली आई में आप पढ़ोगे बुक्स में तो लिखा होता है कि स्लाइटली इंक्रीज
इंक्रीज करता है, क्यों स्लाइटली इंक्रीज करता है, देखते हैं ध्यान से अभी इन चीजों को। तो सारे एक साथ समराइज कर लेंगे। आई में एक पार्ट था IN और एक पार्ट था IP। तो IP पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। IP क्या था, जो होल डिफ्यूज हुए थे फ्रॉम P टू N, तो होल का कंसंट्रेशन तो अभी भी वही यहां है। विड्थ घटने से टोटल चार्ज कैरियर टोटल कितने हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखोगे होल का कंसंट्रेशन अभी भी यहां क्या होगा एन ए, तो ये आईपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आईपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो यहां पे होल यहां से डिफ्यूज होकर जा रहे हैं, यहां पे होल का कंसंट्रेशन कितना है पी एन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस आईपी में कोई चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होकर यहां आ रहे हैं उनका रिकम्बिनेशन यहां पहले से कम हो रहा है, ज्यादा यहां पहुंच रहे हैं, तो चेंज जहां हो रहा है उसको कंसंट्रेट करते हैं। जो होल यहां से यहां डिफ्यूज होकर आए थे जिनकी वजह से आईपी करंट थी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इस साइड जब होल यहां से यहां इंटर किए इस साइड कोई चेंज नहीं हुआ, यह सब चीजें कॉन्स्टेंट है, तो आईपी तो फिक्स है। आईएन को अगर ध्यान से देखो, IN का अगर इक्वेशन लिखा होगा तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव बेस विड्थ था, QAE DN अपॉन W इनटू NP था, NP था, ठीक है, NP था इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑन पी साइड बेस, ठीक है। अब जब रिवर्स बायस बढ़ाया तो इफेक्टिव बेस विड्थ घटी, इफेक्टिव बेस विड्थ घटी तो IN क्या हो गया, बढ़ गया। तो आई भी, आईपी तो कॉन्स्टेंट है लेकिन IN क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो I में स्लाइटली चेंज होगा, I भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ध्यान से देखो, IC क्या होता था, B इंटू IN होता था, IN बढ़ रहा है तो IC बढ़ेगा। साथ में अगर ध्यान से देखो, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मैं इसको आपको इन डेप्थ एनालिसिस करवा रहा हूं कि कैसे चीजें हो रही हैं। आप बुक में पढ़ोगे रिकम्बिनेशन बढ़ गया, बेस करंट घट गई, कलेक्टर करंट बढ़ गई, हो गया। मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि कैसे कौन घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ताकि आपको एकदम क्लियर हो चीजें। तो आईसी तो बढ़ा, आईसी कैसे बढ़ा, रिकम्बिनेशन यहां कम हुआ और इफेक्टिव बेस विड्थ घटने से IN तो बढ़ गई, IN बढ़ गई तो भी IC बढ़ेगा। और जब यहां रिकम्बिनेशन पहले से कम हो रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट ज्यादा चार्ज कैरियर हो रहे हैं, कलेक्टर की तरफ 100 आए पीछे से तो ज्यादा ट्रांसपोर्ट है किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कलेक्टर की तरफ जब ज्यादा ट्रांसपोर्ट होंगे तो बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर भी बढ़ जाएगा। तो IC IN बढ़ने की वजह से भी बढ़ेगा और B बढ़ने की वजह से दोनों फैक्टर बढ़ गए, तो अब IC पहले से बढ़ जाएगा। और ये IC में जो इंक्रीमेंट है ज्यादा डोमिनेटिंग है कंपेयर टू इंक्रीज इन आई, तो आई में जो इंक्रीज है उतना नहीं हुआ उसमें, तो IN में जो चेंज हुआ उसी की वजह से हुआ। यहां पे IN में चेंज और बी में चेंज दोनों बढ़ने हैं, तो IC को इसने ज्यादा बढ़ा दिया, इसलिए IB घटेगा, IC बढ़ेगा और IB बढ़ेगा। तो बेस विड्थ का इफेक्ट क्या आया, आई में इंक्रीज होगा स्लाइटली, IC में इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा जो चेंज होगा वो IC में होगा और वो बढ़ने वाला चेंज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन रिवर्स बायस वोल्टेज VR, रिवर्स बायस बढ़ाएंगे, इफेक्टिव बेस विड्थ घटेगी, IB घटेगा, IC बढ़ेगा, IB बढ़ेगा, बट इंक्रीज इन IE इज स्लाइट, बट इंक्रीज इन IC इज कंपेरेटिवली हाई कंपेयर टू IE, है ना। तो IE में भी चेंज होता है, स्लाइट इंक्रीज IE में भी होता है, तो क्लियर। तो अब देखो, रिकम्बिनेशन कम होने की वजह से जो रिकम्बिनेशन पार्ट था, आईपी तो कांस्टेंट है, बेस करंट में एक रिकम्बिनेशन प्लस आईपी होता था, तो रिकम्बिनेशन पार्ट घटा तो आईपी घटा, रिकम्बिनेशन घटा तो ज्यादा ट्रांसपोर्ट हुए तो आईसी बढ़ा, और जब मैंने इन डेप्थ एनालिसिस करनी चाहिए तो IN बढ़ना उसकी वजह से भी IC बढ़ रहा है, और रिकम्बिनेशन कम होने से ज्यादा चार्ज कैरियर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर बढ़ने की वजह से भी IC बढ़ रहा है। तो ज्यादातर लोग आपको ये बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर वाला एक्सप्लेनेशन आपको बता देते हैं, इन डेप्थ में जाओगे तो ये भी होता है, ठीक है। तो IC भी बढ़ा, IE भी बढ़ा, IB घटा, तो अब देखो बीटा क्या होता है, बीटा इज नथिंग बट IC अपॉन IB। अब IB घटा रिवर्स बायस बढ़ाने से क्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन ड्यू टू अर्ली इफेक्ट, IC बढ़ा, IB घटेगा तो भी बीटा बढ़ेगा और IC बढ़ेगा तो भी बीटा बढ़ेगा, तो बीटा विल इंक्रीज ड्यू टू अर्ली इफेक्ट, और अर्ली इफेक्ट क्या है, रिवर्स बायस बढ़ाना अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन, उसकी वजह से बीटा बढ़ता है। बीटा तो बढ़ा, अल्फा बढ़ेगा कि नहीं, अल्फा इज नथिंग बट IC अपॉन IE। अभी मैंने कहा IE भी बढ़ रहा है और IC भी बढ़ रहा है, लेकिन इंक्रीज इन IC इज मोर डोमिनेटिंग बिकॉज उसमें दो फैक्टर दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि यहां पे एक ही फैक्टर है, तो ओवरऑल अल्फा क्या होता है, बढ़ता है।
अब आई बढ़ के अल्फा को घटाना चाहेगा, लेकिन आईसी ने ज्यादा डोमिनेट किया तो आईसी ने बढ़ा के अल्फा को बढ़ाया, लेकिन ये अल्फा में जो चेंज होगा बहुत ज्यादा नहीं होगा, स्लाइट चेंज, 0.98 था तो 0.99 हो जाएगा, 0.96 था तो 0.97। तो ड्यू टू अर्ली इफेक्ट जो अल्फा में चेंज होता है, अल्फा भी बढ़ता है बीटा भी बढ़ता है, लेकिन चेंज इन अल्फा इज स्मॉल व्हाइल चेंज इन बीटा इज क्वाइट लार्ज, चेंज इन बीटा इज क्वाइट लार्ज। तो याद रखो ड्यू टू अर्ली इफेक्ट, मतलब अर्ली इफेक्ट क्या कहता है, ड्यू टू इंक्रीज इन रिवर्स बायस अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन इफेक्टिव बेस स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू व्हिच इमिटर करंट स्लाइटली इंक्रीजेस, कलेक्टर करंट इंक्रीजेस बट बाय अ लार्ज अमाउंट, आईबी डिक्रीजेस ड्यू टू व्हिच गेन बीटा इंक्रीजेस गेन अल्फा इंक्रीजेस। अब ध्यान से देखो एक चीज और, अल्फा वाला मैंने यहां से एक्सप्लेन किया, एक एक्सप्लेनेशन अल्फा का यह भी है, आईसी और आईबी, आईसी का बढ़ना और आईबी का घटना यह तो आपको क्लियर था, इसलिए गेन बीटा बढ़ना तो था ही, क्योंकि ये दोनों फैक्टर गेन बीटा को बढ़ाएंगे, आईबी का घटना भी बढ़ाएगा आईसी का बढ़ना भी। अब देखो जो रिलेशन होता है बीटा और अल्फा में, बीटा इज नथिंग बट अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, आप याद रखो अल्फा बीटा गामा में एक जैसा रिलेशन होता है, अगर बीटा बढ़ रहा है तो अल्फा भी बढ़ेगा गामा भी बढ़ेगा, अल्फा बढ़ रहा है तो बीटा भी बढ़ेगा गामा भी बढ़ेगा। तो यहां पे आपने जब ये निकाल लिया कि बीटा बढ़ेगा तो 100% ये श्योर था कि अल्फा को बढ़ना ही है, और हमेशा अल्फा में जो चेंज होता है बहुत ही स्मॉल होता है बट चेंज इन बीटा इज क्वाइट लार्ज। जैसे अल्फा की वैल्यू 0.98 लेते हैं, 0.98 के लिए बीटा निकालोगे आएगा 49, यहां पे वैल्यू रखना 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98, जब अल्फा को स्लाइट इंक्रीज कर दोगे तो बीटा क्या आ जाएगा, देखो 0.99 लोगे तो 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99 ये आएगा 99। तो स्मॉल चेंज इन अल्फा काजेस लार्ज चेंज इन बीटा, तो यहां पे जो होगा बीटा में चेंज होगा अर्ली इफेक्ट की वजह से क्वाइट लार्ज, लार्ज चेंज, जबकि अल्फा में जो चेंज होगा जो इंक्रीज करेगा वो स्मॉल होगा, स्मॉल इंक्रीज इन अल्फा विल कॉज लार्ज इंक्रीज इन बीटा। तो बीटा में जो चेंज होता है हमेशा हाई नेचर का होता है, अल्फा में स्मॉल, और यहां पे था भी आई भी बढ़ रहा था तो ये अल्फा को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, आईसी का बढ़ना ज्यादा डोमिनेटिंग था तो इसने स्लाइटली इंक्रीज किया अल्फा को, बट बीटा में तो आई भी घट के भी बीटा को बढ़ाया, आईसी ने बढ़ के भी, तो बीटा में चेंज क्या था क्वाइट लार्ज, यहां से भी पता चल रहा है और दोनों चीजों से पता चल रहा है। तो आई भी थोड़ा सा बढ़ता है, आईसी का बढ़ना थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग होता है तो अल्फा बढ़ता है, आई बढ़ के घटाना चाहेगा लेकिन आईसी ज्यादा बढ़ के इसको ओवरऑल थोड़ा सा बढ़ा देगा, जबकि बीटा में तो दोनों फैक्टर बढ़ा रहे हैं ड्यू टू अर्ली इफेक्ट, आई भी घटना भी बीटा को बढ़ा रहा है, आईसी का बढ़ना भी बीटा को बढ़ा रहा है। तो याद रखो अल्फा बीटा गामा में लीनियर रिलेशन होता है, अगर अल्फा बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा, बीटा बढ़ेगा तो गामा इज बीटा प्लस वन, तो बीटा अगर बढ़ रहा है कहीं आपको पता चल गया तो डेफिनेटली अल्फा बढ़ रहा है गामा भी बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीटा बढ़े और अल्फा घट जाए, जैसा रिलेशन बीटा में होगा बढ़ने का तो अल्फा में भी बढ़ने का गामा, यहां भी वही चीज हो रही है। तो बीटा का बढ़ना क्लियरली दिख रहा था, अल्फा का बढ़ना आपको डाउटफुल लग रहा था, आई भी तो बढ़ रहा है आईसी भी बढ़ रहा है तो कहीं, लेकिन आईसी का बढ़ना बी इंटू आई एन, आई एन का बढ़ने की वजह से भी आईसी बढ़ा, बी के बढ़ने की वजह से भी आईसी बढ़ा, लेकिन आई केवल आई एन के बढ़ने से, तो यहां दो फैक्टर डोमिनेट कर गए, तो आईसी का इंक्रीज ज्यादा था, चेंज ज्यादा हुआ तो ये डोमिनेट कर गया, तो ओवरऑल रेशियो बढ़ गया, क्योंकि आईसी का इंक्रीज इसको बढ़ाया, आई का इंक्रीज इसको घटाया लेकिन ज्यादा नहीं घटा पाया, तो ओवरऑल चेंज क्या हो गया बढ़ने का हो गया, तो अल्फा भी बढ़ेगा बीटा भी बढ़ेगा, अल्फा इंक्रीजेस स्लाइटली स्लाइटली एंड बट बीटा इंक्रीजेस लार्जली, मतलब लार्ज अमाउंट से चेंज होगा, ठीक है। तो ध्यान रखो अर्ली इफेक्ट क्या कहता है, जब रिवर्स बायस बढ़ाएंगे क्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन तो उसमें क्या होगा, उसकी इफेक्टिव बेस विड्थ घटेगी, ड्यू टू विच आई विल इंक्रीज स्लाइटली, आईसी विल इंक्रीज बाय अ लार्ज अमाउंट, या ज्यादा अमाउंट से बढ़ेगा, आईसी विल इंक्रीज केवल कह दो तब भी सफिशियंट है, आईवी विल डिक्रीज एंड ड्यू टू विच गेन बीटा, करेंट गेन बीटा विल इंक्रीज बाय अ लार्ज अमाउंट बट करेंट गेन अल्फा विल ऑल्सो इंक्रीज बट ए स्मॉल अमाउंट, स्लाइट इंक्रीज इन अल्फा, ये होता है ड्यू टू अर्ली इफेक्ट, या इसी को क्या कहते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, अर्ली इफेक्ट तो आपने देखा आई भी बढ़ता है, ये फैक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, है ना, ऐसे देख के लगता है कि आई पे तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन इन डेप्थ जाओगे तो आई पे भी फर्क आता है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बाइसिंग के साथ और न्यूमेरिकल के साथ, वहां पे बताऊंगा कट ऑफ, एक्टिव सैचुरेशन, कौन से रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं आपके बीजेटी के और कौन से हम यूज करते हैं,
रिवर्स एक्टिव मोड एक होता है वो हम यूज नहीं करते हैं, तो उनमें कैसे एक्टिव गारंटी के साथ पता करेंगे, कैसे सैचुरेशन गारंटी के साथ पता करेंगे, और जितने टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं बायसिंग से, वोल्टेज डिवाइडर बायस, फिक्स्ड बायस, इमिटर फीडबैक बायस, कलेक्टर फीडबैक बायस, जितने हैं सारे के क्वेश्चन करेंगे, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन आया आप गारंटी के साथ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।